तो हम देख रहे हैं जो डेट हमारी होती है वो इस तरह के नंबर्स में होती है, तो अगर हम इसमें कोई प्लस माइनस करना चाहें इन नंबर्स में तो कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो डेट में हम डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। मान लीजिए मेरे पास ये डेट है, तो हमारे पास फॉर्मूले हैं डेट, मंथ, ईयर एंड अगेन एक डेट के, चार फॉर्मूले हैं। ठीक है जी, अब आपको इस डेट में से डे निकालना हो तो डे का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है जी, मंथ निकालना हो तो मंथ का फॉर्मूला लगा देंगे। ईयर निकालना हो तो ईयर का फॉर्मूला लगा देंगे। वापस कंबाइंड करना हो तो डेट का फॉर्मूला लगा देंगे। यहां सबसे पहला पैरामीटर है ईयर, देन मंथ, देन डे। ठीक है जी, वापस कंबाइंड हो गई। इस तरह से अब मुझे क्या करना है, इसमें 2 दिन जोड़ने हैं, 4 महीने जोड़ने हैं और 3 साल जोड़ने हैं इस डेट के अंदर, तो किस तरह से जोड़ेंगे? देखिए डे तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। ठीक है जी, मंथ को जोड़ने का तरीका क्या है हमारे पास? ई डेट का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है जी, तो स्टार्ट डेट ले लेते हैं, ये वाली डेट है, और मंथ, कितने मंथ जोड़ने हैं वो यहां से दे दीजिए। ठीक है जी, तो उतने मंथ जोड़ के हमें दिखा देगा। ठीक है जी, ई डेट हमने यहां से दे दे दिया। अब ई डेट का एक और यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो घटते बढ़ते दिन होते हैं वो खाली मंथ में होते हैं, ईयर में तो सेम होता है। क्या करेंगे, मंथ में हम एक और चीज यूज कर सकते हैं ई डेट को। अगर मुझे ईयर जोड़ना हो तो स्टार्ट डेट ये दे दिया, और मान लीजिए ईयर जोड़ना है तो इसको सिलेक्ट किया ईयर को मैंने, और यहां से मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दिया। ठीक है जी, तो ई डेट में मेरा ईयर जुड़ के आ गया। ठीक है जी, डेट अब डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ई डेट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मंथ के प्लस माइनस करने में। हालांकि आप डेट को भी यूज कर सकते हैं वापस, कैसे? डेट में मैंने बताया, अब इस डेट में क्या करेंगे, ईयर का फॉर्मूला लगा देता हूं, और यहां से ईयर ले लिया मैंने, ईयर में कितने जोड़ने, 3, तो प्लस करके ये 3 डाल दिया मैंने यहां से। ठीक है जी, देन कॉमा मंथ, मंथ का फॉर्मूला लिया मैंने, इसी में से ले लिया मंथ, देन प्लस कर दिया मैंने क्या, ये मंथ यहां से, और डे का फॉर्मूला लगाया ये ले लिया, और प्लस कर दिया यहां से इतने दिन। ठीक है जी, तो ये उतना जोड़ के मेरे सामने रिजल्ट आ गया। ठीक है जी, तो डे, मंथ, ईयर, डेट, ई डेट। देन बात करते हैं, मान लीजिए कि आपको सरकारी फॉर्म भरते हैं, तो उसमें क्या है कि डेट ऑफ बर्थ डाली, जैसे मैंने अपनी। ठीक है जी, देन आज की डेट हो गई ये। अब इसमें किसी पर्टिकुलर डेट तक हमें ये निकालना है कि हम कितने दिन के हो गए, कितने महीने के हो गए और कितने ईयर के हो गए। ठीक है जी, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेटेड इफ, ये आपको वैसे नहीं दिखाता है फॉर्मूला, ना ही इसकी डिस्क्रिप्शन कोई आएगी। ठीक है जी, बस इतना ही आएगा। इसमें क्या होता है, हमें देनी होती है स्टार्ट डेट, एंड डेट, देन हमें इसमें देना होता है एक फॉर्मेट। वो फॉर्मेट है हमारे पास, जैसे डे निकालना है सबसे पहले ईयर निकालते हैं इसमें अपन,
डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और इसके अंदर एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम देते हैं वाई। ठीक है जी, तो ये मुझे ईयर निकाल के दिखा देगा कि अभी तक कितने ईयर हो गए। देन मैं कहता हूँ मंथ कितने हो गए, डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट, और अगर मैं इसमें एम देता हूँ तो ये मुझे मंथ निकाल के देता है कि टोटल 334 मंथ हो गए। पर मेरा क्वेश्चन क्या है कि 27 साल के बाद कितने महीने हो गए, मतलब ईयर जब कंप्लीट हुआ उसके बाद कितने महीने हो गए। तो इसका फॉर्मेट है वाई एम, मतलब ईयर टू मंथ 10 महीने हो गए। देन डे निकालना है, तो डेटेड इफ स्टार्ट डेट एंड डेट, देन फॉर्मेट है, अगर मैं खाली डी टाइप करता हूं तो ये टोटल डेज बता देगा। ठीक है जी, पर मुझे चाहिए कि मंथ के बाद कितने दिन हो गए, तो मैं इसमें लगाऊंगा एम डी। ठीक है जी, तो ये 27 साल 10 महीने 20 दिन। ठीक है जी, आपको अगर फॉर्मूले के रेफरेंस लेना है तो आप गूगल पे जाइए, और एक साइट है हमारी, एक साइट है टेक ऑन द नेट, जिसको हम लोग रेफरेंस के लिए यूज करते हैं, टेक ऑन द नेट। देन एक्सेल पे चले जाएंगे यहाँ से, देन इसमें देखेंगे काफी सारी चीजें, एक्सेल फंक्शंस पे चले जाएंगे हम, और इसमें हमारे सारे फंक्शन है, डब्ल्यू एस मतलब वर्कशीट फंक्शन जो आपके एक्सेल में लगते हैं, और ये भी बी ए के ऑल। तो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, एक कैटेगरी वाइज है, तो कैटेगरी वाइज चले जाएंगे, कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो जितने भी टेक्स्ट के फंक्शन हैं वो आपको एक जगह दिख गए, यहाँ न्यूमेरिक हो गए एक जगह दिख गए, स्टैटिक्स के हो गए एक जगह, लॉजिकल हो गए, इंफॉर्मेशन हो गया, देन डेट टाइम के देख रहे हैं हम। तो डेट टाइम में मैंने कौन सा बताया आपको, डेटेड इफ का, डेटेड इफ पे क्लिक किया मैंने, और इसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, स्टार्ट डेट एंड डेट और इंटरवल, जहां मैं फॉर्मेट डाल रहा था। इंटरवल में कौन कौन से फॉर्मेट क्या क्या रिटर्न करते हैं वो ये है, वाई जब हम डालते हैं तो नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, एम डालते हैं नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ, डी डालते हैं नंबर ऑफ कंप्लीटेड, एम डी द डिफरेंस बिटवीन डेज, मंथ एंड ईयर आर इग्नोर्ड, तो मंथ से जितने भी डे होते हैं उतना, वाई एम मैंने बताया कि ईयर जब कंप्लीट होता है डेज एंड ईयर्स आर इग्नोर। ठीक है जी, देन एक वाई डी, डिफरेंस बिटवीन ईयर, ईयर टू डेट वाला फंक्शन था ना हमारा, ईयर टू डेट हमने फिल्टर में दिखाया था आपको, तो वाई डी मतलब ईयर जब कंप्लीट हुआ उसके बाद टोटल कितने दिन हो गए। तो यहाँ पे वाई डी का भी एक फंक्शन दे सकते हैं, तो जैसे 27 साल 136 दिन इस तरीके से भी दे सकते हैं। ठीक है जी, तो ये फंक्शन था मेरा डेटेड इफ, कैसे लगाना है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कैसे फॉर्मेट अप्लाई करेंगे और क्या रिटर्न करेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल वगैरह मिल जाएंगे, ये थोड़ा इजी पड़ता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास, मान लीजिए आप एक ऑफिस में गए कोई काम करवाने, सरकारी ऑफिस में या किसी में, तो उसमें उसने बोला कि 20 वर्किंग डेज के बाद आना है आपने। ठीक है जी, तो वर्क डे कैसे निकालेंगे, स्टार्ट डेट डाल दी हमने, वर्क डे का एक फंक्शन है हमारे पास, और कितने दिन बाद। ठीक है जी, इतने वर्किंग डेज बाद, देखिए सैटरडे संडे ये छुट्टी लेता है, बाकी को वर्किंग डे मानता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा हॉलीडेज हैं तो कॉमा करके आप उसकी भी लिस्ट दे सकते हैं इस तरह से। ठीक है जी, तो अभी कोई नहीं है, तो 20 दिन 20 वर्किंग डे के बाद ये डेट आ जाएगी यार। ठीक है जी, इसी तरह से आपको निकालने हैं कि इस डेट में और
इस डेट के बीच में कितने वर्किंग डे हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला टाइप करते हैं नेट वर्क डे, नेट वर्क डेज, इसमें डालते हैं स्टार्ट डेट, एंड डेज, और कोई हॉलीडे लिस्ट है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं उसी तरीके से। ठीक है जी, तो 93 डेज वर्किंग डे। ठीक है जी, कहेंगे कि हमारे यहाँ तो खाली संडे को छुट्टी होती है। ठीक है जी, तो एक्सेल 2007 तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके लिए, पर हमारे पास 2013 और 10 आ गए तो उसके अंदर एक ऑप्शन आया जिसमें हम ये सब कर सकते थे कि जैसे हमने एक डेट डाली और कोई और डेट चूज की, इसके बीच में आपकी कितनी वर्किंग डे हैं, तो नेट ये वर्क नेटवर्क डे, नेटवर्क डेज तो है ही, दूसरा फंक्शन है नेटवर्क डेज डॉट INTL मीन्स इंटरनेशनल। इसमें आप क्या करेंगे, स्टार्ट डेट, एंड डेट, देन आप वीकेंड चूज कर सकते हैं इसके अंदर कि कौन सा है, सैटरडे संडे तो एक दे देंगे, संडे मंडे तो दो दे देंगे, मंडे ट्यूसडे ऑफ रहता है तीन दे देंगे, तो अपना वीकेंड आप अपने हिसाब, खाली संडे रहता है तो 11 दे देंगे। तो सिंगल सिंगल डेज भी हैं, एक एक दिन भी है, तो जैसे संडे ओनली के लिए 11। ठीक है जी, 111 दिन। ठीक है जी, इसमें कोई हॉलीडे लिस्ट है तो नेक्स्ट ऑफ हॉलीडे लिस्ट भी इस तरह से चूज कर सकते हैं। यहाँ कोई डेट पड़ी होगी, मान लीजिए इसमें हो जाती है मेरी, मैं कह देता हूँ मेरी 2 अक्टूबर 14 में सरकारी छुट्टी है, तो उतने कम हो गया, 110 हो गया। तो इंटरनेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल और वर्क डे डॉट इंटरनेशनल दो फंक्शन है। ठीक है जी, स्टार्ट डेट, टोटल डेज, वीकेंड में वही 11 दे दिया मैंने, संडे ओनली, देन छुट्टी यहां से चूज कर ली, ये डेट आ गई। ठीक है जी, अब इसमें देखेंगे आपको हमेशा एक का डिफरेंस मिलेगा नेटवर्क डेज और वर्क डे में, क्योंकि अपने आप को इंक्लूड कर लेता है उस दिन में। ठीक है जी, जब बीच की बात करते हैं कि 110 दिन बाद, तो 110 दिन के बाद 111वां दिन लेता है, बट इसमें क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसके और इसके बीच में कितने हैं, तो 12 मतलब माइनस हो जाएगा, मतलब 13 जो है माइनस हो जाएगा, तो वो 110, इसलिए इसमें हमेशा एक का डिफरेंस रहता है। देन आते हैं टाइम पे, टाइम में जिस तरह से हमने डेट का कैलकुलेशन किया था उसी तरह से हम टाइम का भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, आवर, मिनट एंड आपका है सेकेंड, देन है टाइम, ये फॉर्मूले है हमारे पास। तो इसमें से आर निकालने हैं मुझे, तो आर का फॉर्मूला है, आपने सिलेक्ट किया टाइम, आर निकल गए। मिनट निकालना है तो मिनट का फॉर्मूला है, मिनट निकल गए। सेकेंड निकालने हैं तो सेकेंड का फॉर्मूला है, सेकेंड निकल गए। देन वापस कंबाइंड करना है तो टाइम का फॉर्मूला है जिसमें पहले आर लेता है, देन मिनट लेता है, देन सेकेंड लेता है। ठीक है जी, अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, टाइम जो होता है डेसिमल फॉर्मेट में होता है, हमेशा डेसिमल फॉर्मेट में होता है, डेसिमल के बाद का। तो सबसे इजीएस्ट लॉजिक ये है कि जैसे मुझे जोड़ना है, इसमें 2 घंटे जोड़ने हैं, 10 मिनट जोड़ने हैं और 20 सेकेंड जोड़ने हैं, क्या करेंगे, अपना वही टाइम का फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, आवर यहां से लिया,
इसमें से निकाल लिया, या डायरेक्टली यहां से ले सकते हैं, ठीक है जी। प्लस ये आ गया, देन मिनट प्लस ये मिनट जोड़ दिया मैंने, देन सेकंड, और ये सेकंड जोड़ दिया मैंने, ठीक है जी। टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट, तो ये टाइम आ गया मेरा, ठीक है जी। अब देखते हैं टाइम की कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए ओवर टाइम निकालना है, ओवर टाइम निकालना है, उससे पहले इसमें आप एक और मेथड फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ये दिखाया प्लस माइनस करने के लिए, अगर आपको प्लस करना है तो ये टाइम उठाया, इसमें जो आप चीज ऐड करेंगे वो कैसे करेंगे, देखिए जब आपको आर आवर ऐड करने हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मेट होगा, सबसे पहले कि इसको डिवाइड बाय 24 कर लेंगे, ठीक है जी। देन मिनट ऐड करना है तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है जी, इस तरह से होगा। देन सेकंड करना है तो ये डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है जी, तो ये आ गया। अब चाहे तो आप इसमें प्लस कर सकते हैं डायरेक्टली, प्लस ये प्लस ये और प्लस ये विदाउट एनी फॉर्मूला के, ठीक है जी। ये बस छोटा सा एक लॉजिक है, पर जब इसको ये कॉपी पेस्ट वाले तरीके से करेंगे तो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। F18 में यहाँ हम डबल ब्रैकेट दे देंगे, इसके बीच में ये लग गया, देन क्या करते हैं इसको ले लेते हैं, और जहां G18 था वहां ब्रैकेट में ले लेंगे ये इस तरीके से, इसको ले लेते हैं, और जहां H18 था वहां पे ब्रैकेट के बाद ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो जाता है। देन अब बात करते हैं कि मेरा एक बंदा था, मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयज हैं यहाँ, जिनका यहाँ पे इन टाइम आउट टाइम है, ठीक है जी। इन टाइम रहा कि सुबह 8 बजे और आउट टाइम रहा रात को 9 बजे कर दिया मैंने, ठीक है जी। इन टाइम 8:15 आउट टाइम 10 बजे, दस के लिए क्या देना पड़ेगा, 22, बाईस ही हम गलत आ रहे, ठीक है जी। देन लेते हैं 9, 10, 21, 50,
देन लेते हैं हाँ 8:30 देन सोलह 17:30 इस तरह से कुछ टाइम ले लिया मैंने। अब मेरे को ये निकालना है कितने आर वहाँ अंदर रहे, कैसे निकालूंगा। इस केस में सिंपल माइनस कर लेंगे, ठीक है जी। नंबर फॉर्मेट में देख लेंगे, ये टाइम फॉर्मेट में कौन सा वाला टाइम फॉर्मेट रहेगा, खाली आवर वाला, और नहीं तो इसको डाल दें आवर फॉर्मूला के अंदर। जनरल फॉर्मेट में कितने कितने घंटे काम किया इनका निकल आया, ठीक है जी। आवर के अंदर देन क्या करेंगे, ओवर टाइम हमें देना है कि जिसने 1 घंटे से ज्यादा किया है। पहले तो कितने टाइम ज्यादा किया, 8 घंटे से कितना ज्यादा किया है, तो सिंपल क्या करेंगे, 8 में से इसको माइनस कर देंगे, 8 में से इतने इतने घंटे ज्यादा किया है। देन क्या करेंगे, इसको कितना देना है, 200 रुपये घंटा दे देना है। या 200 ज्यादा हो गया, 50 रुपये घंटा दे देते हैं, ठीक है जी। तो इतना हमारा ओवर टाइम बना है, ठीक है जी। अब इस कंडीशन को एक साथ फिट कर देते हैं, ये आ रहा है हमारा D21 का रेफरेंस। तो D21 में ये पूरा पूरा फॉर्मूला डाल दिया यहां से कॉपी करके, D21, ठीक है। D21 देन क्या है, E21 में ये पूरा फॉर्मूला उठा के डाल दिया, E21 जहां था। अब यहां ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया ओवर टाइम निकालने का, ठीक है जी। कट कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। तो सिंपल सिंपल क्राइटेरिया से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है जी। हालांकि हम लोग आवर वैसे भी देख सकते थे कि जब हम इसमें माइनस कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है नंबर फॉर्मेट में, पर टाइम फॉर्मेट में होता है तो ये दिखाता है, जनरल में होता है तो पॉइंट में दिखाता। टाइम फॉर्मेट में कस्टम फॉर्मेटिंग में क्या चाहिए, सिर्फ आर दिखाने के लिए टाइम फॉर्मेट कस्टम में जाके इसको मैं क्या करता, बड़े ब्रैकेट में एच ले लेता, ठीक है जी। इस तरीके से भी दिखा सकता था, पर कैलकुलेशन के दौरान क्या होता कि ये 0.54 होता, तो आपकी कैलकुलेशन सही से हो नहीं पाती, इसलिए मैंने आवर का फॉर्मूला यूज किया जो कि उसको नंबर में ही कन्वर्ट कर देता है। तो टाइम की कोई भी कैलकुलेशन हो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी देखते हैं और कौन से फॉर्मूले रह गए हैं इसके अंदर डेट टाइम में। एक हमारा डेट वैल्यू का फॉर्मूला, उसमें क्या है कि कोई भी जो डेट है आपकी टेक्स्ट में उसकी वैल्यू निकाल देता है, कोई भी डेट है इसकी वैल्यू ये टेक्स्ट में मांगता है, तो मैं एक टेक्स्ट की तरह दे देता हूँ, मतलब 8 अगस्त 14 इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास में, तो ये नंबर निकाल के दे देता है मुझे उसका। कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है मैं ऑटोमेशन जैसे काम में, ठीक है जी।
देन है हमारे पास डे 360 का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साल को 360 मानता है और महीने को मानता है 30 दिन का आपका। संदीप जी, तो हाँ जी सर, संदीप जी, हाँ जी, हाँ जी, संदीप जी, जो इस पे कटता है जो अपन, हाँ क्या चीज, संदीप जी, हाँ जी, हाँ जी सर, आवाज नहीं आ संदीप रही क्या जी, मेरी? हेलो, हाँ अब आ रही सर, ठीक है, हाँ आवाज आ रही सर मेरी। हाँ आ रही है। सर ये इसलिए जो आपने बताया था मैं डेट वैल्यू का, जो इसमें नंबर आया था 4195 की वैल्यू, हाँ ये वैल्यू सर कहाँ से उठाता है, 1904 से उठाता, ईयर से उठाता है। एक जनवरी 1900 से उठाता है, 1 जनवरी 1900 से। जब आप अच्छा, 1900 से उठाता है। एक, आप ना एक ही डाल के देख लीजिए और इसको कर दीजिए डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट, तो आपको दिखा रहा है ये 1 जनवरी 1900 ही है। ठीक है जी, ओके ठीक सबसे है, बेस्ट है ऐसे ही पता कर लिया जाए इसका। बाकी देखते हैं और कोई फंक्शन। ये डे 360 का यूज नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि ये मानता है कि 30 दिन का एक महीना होता है और 12 महीने का एक साल, तो 12 36 डे 360, तो इसका कोई यूज नहीं करता है, बेकार है फॉर्मूला। देन हमारे पास एक यूजफुल फार्मूला है, हमने अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम में एक फार्मूला यूज किया था कि किसी भी मंथ का हमें एंड जानना हो कि क्या है, एंड डेट कौन सी है, तो हमारे पास तरीका था ईओ मंथ। तो उसमें क्या देते हैं, कोई भी डेट देते हैं और 0 देते हैं। ठीक है जी, तो दिखाएगा ये आपको उसकी है। यहाँ 0 क्यों देते हैं, अगर आप यहाँ पे 1 देंगे तो अगले महीने की लास्ट डेट दिखाएगा। ठीक है जी, 2 देंगे तो उससे अगले महीने की। तो हम क्या करेंगे, उसी महीने की अगर हमें लेनी हो तो हम यहाँ पे 0 ही देंगे। ठीक है जी, ईओ मंथ का फॉर्मूला इसको याद रख सकते हैं एंड ऑफ मंथ के नाम से। देन आगे चलते हैं, आवर मिनट नेटवर्क डेज। नाउ का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही। नाउ का फॉर्मूला क्या करता है, डेट और टाइम दोनों रिटर्न करता है करंट के। ठीक है जी, देन सेकेंड टाइम, टाइम वैल्यू भी डेट की तरह ही है। टेक्स्ट में अगर आपका कोई टाइम है तो उसका जो है वैल्यू रिटर्न कर देता है, टाइम वैल्यू। यहाँ पे मैंने दे दिया 9 PM, इस तरह से टेक्स्ट में है, तो उसका टाइम मुझे ये रिटर्न कर देगा वैल्यू डेसिमल वाली जो है। देन टुडे का करंट डेट के लिए, वीकडे क्या करता है, वीकडे निकाल के देता है हमें। ठीक है जी, जैसे मैंने एक डेट ले ली, वीकडे सीरियल नंबर, ठीक है जी, टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाया मैंने और यहाँ पे दे दिया DDD, तो ये इस हिसाब से देता है। ठीक है जी, जो फर्स्ट डे होता है इसके लिए वो संडे होता है। वीकडे में कोई देंगे तो आपको डे निकाल के देगा, पहला दिन संडे, मंडे, जैसा हमारा कैलेंडर का होता है ना, कैलेंडर में जो वीक होता है उस हिसाब से चलता है। बाकी इसको हम रिटर्न टाइप के जरिए इसका वो भी बदल सकते हैं, जैसे हम इसके अंदर जाएं और यहाँ पे देखें ना, ये तो टेक्स्ट का फॉर्मूला, इसके अंदर जाएं और यहाँ पे रिटर्न टाइप देखें, तो रिटर्न टाइप में क्या डिस्क्रिप्शन आ रही है, बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो 1 को संडे मानता है। ठीक है,
रिटर्न टाइप इज अ नंबर फॉर संडे इक्वल टू 1 थ्रू सैटरडे 7, ठीक है जी, यूज 1। अगर आप यहाँ पे एक देते हैं तो इसी पैटर्न में देता है वैल्यू, मतलब संडे को 1। अगर आप यहाँ पे दो देते हैं तो क्या है, मंडे से स्टार्ट करता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे दो दे देता हूँ, कोमा करके दो दे देता हूँ, तो क्या ये मंडे से स्टार्ट करेगा, ठीक है जी, फर्स्ट डे। देन है हमारे पास इसमें जीरो से लेकर 6 तक, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 यूज कर रहा है। अगर आप 3 देते हैं तो ये इंडेक्स नंबर जो है वो 0 ले लेता है, 0 से 6 तक। पैटर्न वही रहता है मंडे टू संडे, पर 0 से 6 करके वैल्यू देता है, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली डे के लिए, डे कौन सा है, इसी के लिए यूज होता है। देन हमारे पास है वीक नंबर। वीक नंबर क्या करता है, आपको उस वीक का, साल में जो ईयर है उसका नंबर निकाल के दे देता है, उस वीक का नंबर, ठीक है जी। 32वां हफ्ता, 34वां हफ्ता, मान लीजिए 1 जनवरी होता है इसकी जगह तो कौन सा होता, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, तो साल के हिसाब से चलता है। वर्क डे मैंने बता दी, ईयर बता दिया, बाकी ईयर फ्रैक्शंस का कोई खास यूज नहीं है। रिटर्न्स ईयर फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ होल डेज बिटवीन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, बीच के दिन बताता है। देख लेते हैं क्या सही बताता है। कुछ फ्रैक्शनल स्टैटिकल कैलकुलेशन होती है, उसके हिसाब से ये रिजल्ट देता है। प्रोपोर्शन ऑफ द होल ईयर, जो प्रोपोर्शन होता है ना कि कितने दिन हो गए, जैसे यहाँ 1 जनवरी दे दिया और यहां मैं दे देता हूं 31 दिसंबर 14, तो यहां पे 1 आ गया, ठीक है जी। यहां पे कर देता हूं 31 जुलाई, तो 0.5 के अप्रोक्स आ गया, 31 जून कर देता हूं, ओके 31 जून तो होता ही नहीं, 30 जून, तो 49 अप्रोक्स 50% आ गया। तो उसकी परसेंटेज देता है एक तरह से कि इतने परसेंट आपका ईयर कंप्लीट हो चुका है, ईयर फ्रैक्शन, ठीक है जी। दो डेट के बीच में ईयर, वो डेज का जो है ईयर का कितना परसेंट है, ये है ईयर फ्रैक्शन, ठीक है जी। बाकी आपके सारे फंक्शन हो गए इसमें डेट टाइम में। अगर आपको और भी देखना हो, जैसे डेट टाइम में कई बार कुछ अलग सी कैलकुलेशन आ जाती है, क्वेरीज आ जाती हैं, तो आप नेट पे बड़े आराम से सर्च कर सकते हैं इस चीज के बारे में। इसमें अब आप कॉन्सेप्ट जान गए तो बड़ा आराम से कर लेंगे, जैसे हाउ टू फाइंड सेकंड सैटरडे, तो आपको काफी सारे फॉर्मूले बन मिल जाएंगे इस तरह से करने के, ठीक है। आपको फॉर्मूले कई जो है, आप अपनी क्वेरी टाइप कीजिए, उसके फॉर्मूले आपको पहले से भी मिल जाते हैं, मतलब कई बार ज्यादा उसमें सर खराब करने की जरूरत नहीं,
आप अपने आप देख सकते हैं। अभी अगर लास्ट संडे का निकाल रहा हूँ मंथ का तो किस निकाल सकते हैं? लास्ट संडे, मंथ का लास्ट संडे निकालना है आपने किसी भी, तो किसी भी इसका जैसे मुझे निकालना है, ठीक है जी। पहले तो मैं ईओ मंथ में चला जाऊंगा, एंड मंथ में। हाँ और मैं यहां चेक कर लूंगा कौन सा वीक डे है। वन है यहाँ की, यहाँ मंडे है, तो इससे मुझे इतना ही पीछे जाना पड़ेगा। वन संडे से ही स्टार्ट होता है ना, तो 31 में संडे पड़ गया मेरा। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, यहां से जो इसने मुझे निकाल के दिया है। माइनस यहाँ पर रिटर्न टाइप चेंज कर देता हूँ मैं, इसका 3 कर देता हूँ। नहीं, 1 संडे से स्टार्ट किया है, अगर यहाँ 2 होता तो 1 माइनस करना पड़ता। तो इस डेट में -1 करके प्लस कर दें, नहीं उतना डेज मुझे पीछे जाना पड़ता। अगर मैं इसमें ये कर देता इस तरह से आ जाता और वापस चलिए इसको भी सर्च कर लेते हैं, फालतू तो इसमें दिमाग नहीं दौड़ाते। डेट लास्ट संडे, उतना ये माइनस कर देंगे। ये रहा फॉर्मूला, वैसे देखते हैं ये काम करता है नहीं करता। लास्ट संडे, अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो ये कब की बात कर रहा है, इस महीने का लास्ट दे रहा है।
इस महीने का लास्ट दे रहा है, तो यहाँ जितना भी टुडे लिखा हुआ है ना, मैं इसको मारता हूँ रिप्लेस। टुडे को रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ, अपनी इस वाली डेट के साथ। कौन सा है? H21, H21 रिप्लेस। क्या कह रहा है? नहीं ले रहा, छोड़िए। इसका वैसे फ्लोर से है, अगर मैं सही हूं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 7 फ्लोर, यहाँ पे सिग्निफिकेंस जो दे दूंगा, फर्स्ट जो होगा मेरा जन्म, सेकेंड अगस्त को क्या है मेरा, सेकेंड अगस्त को मेरा सैटरडे है, 7 को ये सैटरडे ले रहा है। इसको मैं करूंगा 7, सैटरडे। ये सैटरडे फाइंड करने का मेथड है। अगर 1 करता हूं मैं इसमें, क्या ये फाइंड करेगा? 6 अगस्त, नहीं करता। चलिए मैं इसको बता दूंगा कैसे होता है, वैसे आपको इस पे मिल जाएगा। संडे आपको फाइंड करना है ना? हेलो, हाँ जी,